देश में एक बार फिर कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है, लेकिन इस बार कोरोना के साथ साथ कोरोना के सब वेरिएंट के केस भी सामने आए हैं। दिल्ली महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। चिंता का विषय ये है कि राज्य में पहली बार BA4 और BA5 वेरिएंट के मरीज मिले हैं। ये दोनों ही ओमिक्रोन के सब वेरिएंट हैं जो तेजी से फैल सकते हैं। राज्य में इस समय BA4 के 4 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं BA5 की 3 मरीज मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा केस है। संक्रमित मरीजों में से 2 की उम्र 50 साल से ज्यादा बताई जाती है, 2 मरीज 20 से 40 की उम्र के बीच हैं, लेकिन 1 मरीज 10 साल से भी कम उम्र का बच्चा है। उस बच्चे ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, लेकिन फिर भी वो ओमिक्रोन के सब वेरिएंट से संक्रमित हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की गई है। IBDC फरीदाबाद ने भी इसकी पुष्टि की है। BA4 और BA5 वेरिएंट की अगर बात करें तो दोनों को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। अप्रैल महीने में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। बाद में यूरोपीय देशों में इन नए सब वेरिएंट ने तेजी से अपने पैर पसारे और मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं कि BA4 और BA5 वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में सबसे ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। अब क्योंकि महाराष्ट्र देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिक सेंटर रहा है, ऐसे में वहां पर इन नए वेरिएंट का मिलना सभी को चिंता में डाल गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2772 एक्टिव मरीज हैं, रिकवरी रेट 98.09% है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से लोगों को डराने लगी है। 28 मई को दिल्ली में कोरोना के 442 नए मामले दर्ज किए गए। संक्रमण दर 2.02% दर्ज की गई। दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,05,954 है, जबकि मृतकों की संख्या 26,208 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2828 नए केस दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में 14 लोगों की मौत भी हुई। 779 एक्टिव केस के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,087 रह गई है। 29 मई को सामने आए केस 28 मई के मुकाबले 5.3% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 2035 मरीजों की कोरोना से रिकवरी हुई है। देश भर में अब तक 4,31,53,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं अब कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,586 हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी होने वालों की संख्या 4,26,11,370 पर पहुंच चुकी है। देश भर में टॉप 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केस केरल में दर्ज किए गए हैं। 29 मई को केरल में 879 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 529 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, 442 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर दिल्ली, 227 केस के साथ हरियाणा चौथे पर और 196 केस के साथ कर्नाटक पांचवें नंबर पर है। 80.38% मामले इन 5 राज्यों से ही सामने आए हैं। अकेले केरल में ही 31.08% नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। देश भर में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब बढ़कर 1,93,28,44,087 हो गया है। लेकिन फिर भी कोरोना से सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का सब वेरिएंट भी अब लोगों की टेंशन बढ़ाने लगी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।